अमिलीम असल स्टूडेंट्स आई होप that यू आल आर doing गुड इन टू lecture, लेक्चर वी विल स्टडी एक्सरसाइज chapter चैप्टर नंबर थ्री बायोटेक्नोलॉजी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उनके हेड पॉइंट्स देखेंगे फर्स्ट ऑफ आल स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ मैं दी एडिशनल सर्कुलर पीसिस ऑफ डी एन ए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वाई मे बी दी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मोडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स सॉरी वट मे बी दी ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक मोडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज तो क्या है ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रिजिस्टेंट प्लाट्स इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रिजिस्टेंट प्लांट्स तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं जेनेटिक मोडिफिकेशन के Next statement is plasmids and attached foreign gene with it are collectively called recombinant DNA. The next statement is the organisms whose cells and plasmids are usually used in genetic engineering are bacteria. The next statement is sections of DNA serving as codes for developing characters in an organism are called genes. दी नेक्स्ट स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड द आंसर इज कन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हाउ डू जेनेटिक इंजीनियर गेट इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एंड द आंसर इज इंसुलिन जीन इंजर्टेड इन बैक्टीरिया जब इंसुलिन जीन जो है वो बैक्टीरिया में इंजर्ट की जाती है बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो इंसुलिन जो है जेनेटिक इंजीनियर जो हैं वो गेन करते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स

डिवाइड वेरी फास्ट एंड मेक कलोनीज तो यही रीजन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियर्स जो हैं वो बैक्टीरिया को चूज करते हैं द लास्ट स्टेटमेंट इज अजीन इज इंसर्टेड इन टू अ बैक्टीरियम बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम है विद द रेलिवेंट स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम बी तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ हॉर्मोन विच इज़ रिलेटेड टू स्टिमुलेटिंग ग्रोथ द नेक्स्ट इज बीटा एंड डॉल्फिन विच इज़ रिलेटेड टू पेन किलर दर्ड इज वैक्सीन विच इज़ रिलेटेड टू इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज द फोर्थ वन इज इंटरफेर ऑन विच इज़ रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शंस एंड द लास्ट इज इंसुलिन विच इज रेलेवेंट टू डायाबिटीज तो ये थे कॉलम मैचिंग नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ बायो टेक्नोलॉजी एंड द आंसर इज द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज इन डिफरेंट वेज़ टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायो टेक्नोलॉजी और ये आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही इसका आंसर जो है मिल जाएगा आपने मार्क कर लेना है बुक में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज जेनेटिक टेस्टिंग एंड द आंसर इज जेनेटिक टेस्टिंग इज वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्नीस यूज फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इन्हेरिटेड डिजीज इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल इट इज ऑल्सो यूज टू डिटर्मिन अ चाइल्ड्स पेटर्निटी और आ पर्सन इन सेस्टरी जेनेटिक टेस्टिंग का टॉपिक भी आपको इस चैप्टर के स्टार्ट सॉरी लास्ट पर मिल जाएगा तो आपने इसका आंसर भी मार्क् कर लेना है The next question is Name at least two life saving products of biotechnology. So, two products of si biotechnology are first is insulin, and the second is vaccines. The next question is briefly describe gene therapy. दी आंसर इज चीन थेरेपी इज एन एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्नीक विच इज़ यूज टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज लाइक कैंसर एंड एड्स तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन थे इन सब के आंसर्स जो हैं आपने बुक में मार्क कर लेने हैं नेक्स्ट uh, हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम इस चैप्टर के एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री पॉइंट फोर हाउ डू साइंटिस्ट इन्जर्ट दीन ऑफ आर डिजायरेबल प्रोटीन इंटू अ बैक्टीरियम तो आंसर के हेड पॉइंट्स में रीड करूँगी स्टेप्स हैं फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन पहले जिन तो की आइडेंटिफिकेशन होगी देन उसकी आइसोलेशन होगी देन सेकंड स्टेप इज टू कट दी प्लाजमिट डीएनए तो डीएनए एन को बैक्टीरियम की बॉडी से कट किया जाएगा दी थर्ड स्टेप इज अटैचिंग आइसोलेटेड जीन देन जो हमने जीन आइसोलेट की हुई होगी उसको हम अटैच करेंगे किसके साथ प्लामिट डी के साथ plasmid, नेक्स्ट स्टेप इज़ इंसर्टिंग रिकम्बिनेंट डी एन ए अब ये जो जीन और प्लाजमी डी एन ए ने कम कम्बाइन करके जो नया प्रोडक्ट बनाया है जो नई फॉर्म बनाई है उसको हम कहेंगे रिकम्बिनेंट डी एन ए और इसको हम इंसर्ट करेंगे वापस बैक्टीरिया की बॉडी में तो ये स्टूडेंट्स हेड पॉइंट्स थे आप लोगों ने हेड पॉइंट्स भी नोट कर लेने हैं और ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपने बुक पे मार्क कर लेना है सारा इंटरनल कॉन्टेंट जो है वो बुक में से ही लिया गया है दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री पॉइंट फाइव गिव डाइग्रामेटिक एक्सप्लेनिशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रप्रेशन ऑफ इंसोलिन तो आंसर में स्टूडेंट्स डायग्राम जो है आपकी बुक पे मौजूद है आप लोगों ने इस डाइग्राम को अच्छे से लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री पॉइंट सिक्स डिस्क्राइब दी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर तो आंसर में स्टूडेंट्स हेड पॉइंट डिस्कस करूँगी मैं वीड एंड पेस्ट रिजिस्टिंग प्लांट तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करवाए हैं बायोटेक्नोलॉजी ने जो कि वीट और पेस्ट रिजिस्टेंट होंगे नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट एप्लीकेशन है कल्टीवेशन तो हम लोग ऐसी क्रॉप्स की कल्टीवेशन करेंगे जो कि ज़्यादा सेफ होंगी ह्यूमन यूज़ के लिए तो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं कॉन वीट राइस कैनोला पटैटो सोयाबीन एंड कॉटन तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिवेंशन फ्रॉम ड्रॉट एंड एक्सट्रीम सॉल्ट तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन से प्रिवेंशन के लिए जो है वो स्पेशल प्लांट्स प्रोड्यूस किया जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक को यूज़ करते हुए तो ये सारी एप्लीकेशन थी बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में तो हेड पॉइंट्स भी आपने नोट कर लेने हैं और इंटरनल कॉन्टेंट भी आपने इंटरनल कॉन्टेंट जो है वो बुक पर आपने मार्क कर लेना है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री पॉइंट सेवन वट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन हाउ इज इट हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रियस इन फूड तो आंसर में स्टूडेंट सबसे पहले हमने जेनेटिक मोडिफिकेशन की डेफिनेशन देखनी है द चेंज इन देंस ऑफ ऑर्गनिजम्स यूजिंग बायो टेक्नोलॉजी टेक्नीस इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इट इज़ द मॉडर्न मैथड टू चेंज द करेक्टर्स ऑफ ऑर्गनिजम्स तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने फर्स्ट मार्क करनी है देन हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रियट्स इन फूड तो इम्प्रूवमेंट कैसी आएगी जब हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करवाएंगे जिनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर बनाई जा सके जीन्स uh, को यूज़ करते हुए तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे जो जीन्स की वजह से मॉडिफाई हो रहा है उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म देन स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल्स की प्रोडक्शन जो कि हाई किसकी प्रोड्यूस करवा सके मिल्क की और मीट की देन ऐसे वेजिटेबल्स और ऐसे फ्रूट्स की प्रोडक्शन को बेहतर करवाने के लिए जो कि इंक्रीज़ करें अपना शेल्फ लाइफ और बेहतर क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के जरिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ थ्री पॉइंट एट डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ में देखेंगे हम स्टूडेंट्स के बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या रोल प्ले करती है डिफरेंट डिजीज़ जिनका पहले कोई इलाज कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था वो भी अब ट्रीट की जा सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उसके अलावा डिफरेंट मेडिसिन की प्रोडक्शन कॉज को ट्रीट करते हुए किसी डिजीज़ की और प्रिवेंशनस को माइंड पर रखते हुए और जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट करते हुए बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अपना रोल प्ले करती है हेल्थ में तो जो प्रोडक्ट्स uh, जो हैं अभी तक बन बन चुकी हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वो हैं इंसुलिन वैक्सीन ग्रोथ हार्मोन बीटा डॉल्फिन एंड इंटरफेरोन तो इनमें कुछ ड्रग्स हैं कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्रोड्यूस करवाई गई हैं तो ये सारा कंटेंट जो है वो बुक का है आप लोगों ने बुक पे ये कंटेंट जो है वो मार्क कर लेना है और इसको अच्छे से लर्न करना है नेक्स्ट स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट में देखेंगे तो इन्वायरमेंट की भी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि पोल्यूशन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सीवेज वाटर इन सब को भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ट्रीट किया जा सकता है और उसके अलावा हम डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं एज पेस्टिसाइड्स बायो फर्टिलाइजर्स बायो सेंसर्स तो ये सब किस वजह से है बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स की वजह से तो इन्वायरमेंट का भी आप लोगों ने पूरा टॉपिक जो है वो लर्न करना है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है हेल्थ और इन्वायरमेंट तो इंटरनल कंटेंट जो है सारे लॉन्ग क्वेश्चंस का सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का वो आपकी बुक से लिया गया है आपने अपनी बुक पे सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं मार्क करने हैं इन्हें लर्न करना है उसके अलावा आपने टॉपिक जो है वो थॉरली स्टडी करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है असेसमेंट में या पेपर में आ सकती है तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर थ्री कंप्लीट थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज